आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत के दलीलों का नेतृत्व करने से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दिलाने तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी का अहम रोल रहा। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने भरोसेमंद कानूनी सलाहकार बन आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं को बड़ी राहत दी। दरअसल 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केजरीवाल के परिवार को कानूनी मदद की पेशकश की थी। इससे यह स्पष्ट हो गया था कि अदालतों में आरोप का नेतृत्व कौन करेगा। नाम था अभिषेक मनु सिंघवी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को शराब नीति मामले में जांच एजेंसी ईडी ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने को लेकर के तमाम तरीके की दलीलें पेश की, जिसका अभिषेक मनु सिंघवी ने बखूबी जवाब दिया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के लिए तैयार होना पड़ा। शराब नीति मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि हर किसी को डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी से सीखना चाहिए कि सभी अदालतों में बिल्कुल सही समय पर कैसे उपस्थित रहना है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया, डॉक्टर सिंघवी कभी छुट्टियां भी नहीं लेते। केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने शराब नीति मामले में हुई गिरफ्तारी का खंडन किया और साथ ही प्रवर्तन दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग का मुद्दा उठाया था। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के 5 दिन बाद ही केजरीवाल ने ईडी को हिरासत में ले लिया था। सिंघवी द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते सुझाव दिया कि वे 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत देने पर विचार करेंगे। इसके बाद केजरीवाल को 1 जून तक जमानत दे दी गई। जब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने पूछा कि आम आदमी पार्टी प्रमुख ने जमानत याचिका क्यों नहीं दायर की, सिंघवी ने कहा कि क्योंकि गिरफ्तारी अवैध है, जमानत के लिए आवेदन करना या स्वीकार करना होगा कि गिरफ्तारी वैध थी। सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया कि जांच एजेंसी के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री के संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है। अगर ईडी ने सोचा था कि केजरीवाल शामिल थे तो उन्हें एक दोषी मुख्यमंत्री को 1.5 साल तक खुला क्यों रहने दिया गया। वरिष्ठ वकील और पूर्व राज्यसभा सांसद ने गवाहों के बयानों की विसंगतियों को लेकर के जवाब दिया। सिंघवी ने ईडी के इस आरोप का भी खंडन किया कि मुख्यमंत्री 9 बार पूछताछ के लिए समन में शामिल नहीं हुए। सिंघवी ने अदालत से कहा कि किसी को केवल अपराध के सबूत पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है, महज संदेह में नहीं। अभिषेक मनु सिंघवी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का भी नेतृत्व किया, जिन्हें अक्टूबर 2023 में शराब नीति मामले में ही गिरफ्तार किया गया था। सिंघवी ने तर्क दिया था कि जांच एजेंसी ईडी आप नेता की गिरफ्तारी के बाद से 5 महीने में कोई सबूत स्थापित करने में विफल रही। 4-5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी थी। 24 फरवरी 1959 को राजस्थान के जोधपुर में जन्मे अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली के सेंट कोलंबा से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। सिंघवी ने सेंट स्टीफन्स कॉलेज से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया। फिर उन्होंने पीएचडी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पीआईएल से कोर्स किया था। यह हाई प्रोफाइल वकील एक सुनवाई और पेशी के लिए लगभग 20.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में कार्य करने के अलावा वो यूपीए सरकार में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी कार्य किए हैं। हालांकि उनका करियर विवादों से अछूता नहीं रहा। 2012 में सिंघवी ने सीडी विवाद के बाद कांग्रेस प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया और संसदीय पैनल छोड़ दिया। सबरीमाला से लेकर के मोदी उपनाम मामले तक सिंघवी ने कई महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने नेशनल हेराल्ड इंडियन मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी जमानत दिलवाई थी। VideoDesk, kamarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।